प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं पूजा का। नारियल खराब निकलता है तो अशुभ नहीं है, भगवान का दिया संकेत है, जानिए कैसे। बहुत से लोग जब नारियल खराब निकलता है तो उसे अशुभ मानते हैं, परंतु ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा अशुभ नहीं होता। कैसे, आज हम वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। शुभ होने के साथ साथ नारियल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हर पूजा में नारियल का होना बेहद ज़रूरी होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपने जो नारियल पूजा में चढ़ाया था वो अंदर से ख़राब निकल गया और आपको लगता है कि भगवान नाराज़ हो गए या कोई हादसा होने वाला है। ऐसे विचार आपके अंदर आने लगते हैं, ऐसी कई बातें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। पर हम आपको बता दें कि पूजा का नारियल खराब निकले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ अशुभ हो गया है या फिर कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसके ठीक उलट, नारियल का खराब निकलना शास्त्रों में शुभ माना गया है, और बल्कि ये तो भगवान का एक खास संकेत है। क्या है उसकी चर्चा करते हैं। छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे कारण ही कई बार हमारी ज़िंदगी पर बड़ा असर डालते हैं, और बिना जानकारी के अभाव में हम भ्रम में जीते हैं। कुछ ऐसा ही पूजा के नारियल के साथ भी है। अक्सर जब नारियल खराब निकलता है तो लोग अनजानी आशंका से ग्रसित हो जाते हैं। आपको दुकानदार पर गुस्सा भी आया होगा, पर आज मतलब आप ऐसा सोचते हैं या नहीं, ये तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, या हर बात का विशेष अभिप्राय होता है। पूजा और नारियल खराब होने का एक विशेष अर्थ है कि मान्यता, अगर पूजा का नारियल खराब निकले तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने खुद ही प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो नारियल के अंदर से पूरा सूख गया है। इतना ही नहीं, नारियल के खराब होने का संकेत आपकी अगली मनोकामना क्या है। आपकी मनोकामना या तो पूरी होने वाली है या फिर अगली मनोकामना आपकी क्या है। खराब नारियल मतलब आपकी मनोकामना पूरी करने का संकेत आपको देता है। पूजा नारियल खराब निकलने का मतलब आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। इस समय आप जो भी कामना करेंगे वो पूरी होगी, इसलिए अगली बार पूजा का नारियल खराब निकले तो आप परेशान मत होइएगा, बल्कि इसे ईश्वर का एक आशीर्वाद समझिएगा। इसे आप भगवान के सामने अपनी जो भी इच्छाएं जाहिर करेंगे वो ज़रूर आपको पूरी होती नज़र आएंगी। आपको बताते चलें कि अगर नारियल सही निकलता है और इसके पीछे क्या महत्व है। तो पूजा करते समय नारियल अगर सही निकला है तो उसे रखना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसे प्रसाद में सभी को बांट देना चाहिए, इससे पूजा का जो फल है वो सभी को मिलता है। मतलब आपकी जो आने वाली परेशानियाँ हैं वो इसे बांट देने से दूर हो जाती हैं। इसे बांट देने से मतलब परेशानी आपके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, अगर नारियल सही निकला है तो। और अगर ख़राब निकला है तो इसे आपकी मनोकामना पूरी होने का एक संकेत मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये कुछ इसको लेकर जानकारी थी, नारियल को लेकर। जो ख़राब निकलता है और उसके ऊपर आप परेशान होते हैं तो पर ऐसा शास्त्र नहीं मानते हैं, खराब नारियल को एक अच्छा और शुभ संकेत मानते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी है, जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी कोई भी समस्या का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय